गाइस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो? सो इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं ग्रुप वाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे क्वेरी को किस तरीके से लगाना है, वो जो लॉजिक है, वो जो आइडिया है, उसको क्लिक करने में आपकी बहुत है जो मदद करेंगे, राइट? सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी आती है, तो उससे आउटपुट या फिर क्वेश्चन से क्वेरी है तो आप उसकी प्रैक्टिस करो डेली। हाँ, एक बार आपकी गलती होगी, दो बार आपकी गलती होगी, लेकिन एसक्यूएल इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आप कह लो कि आपकी 10 बार गलती हो जाए। नहीं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप मान के चलते हो कि आपके कभी पाइथन प्रोग्रामिंग में 40 नंबर आते थे 100 में से, भाई 20 आते थे, इतने तो मान के चलते हैं ना। चलिए, अगर आपके बहुत ही कम नंबर आते थे 20 या उससे भी कम, तो एसक्यूएल के अंदर आप उसका 4 गुना ज़्यादा है जो बेटर करोगे, 5 गुना ज़्यादा है जो बेटर करोगे, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग को हम एक ही जगह पर बांध करके नहीं रख सकते कि भाई ये इतनी ही प्रोग्रामिंग है, वो बहुत ही वास्ट है, पाइथन कह लो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह लो, राइट? तो उसमें आपके जितने दिमाग है उतने लॉजिक है, लेकिन एसक्यूएल की जब बात करते हैं ना, तो इसके अंदर वही रटी रटाई कमांड्स है, भाई अपडेट है तो इसका यूज़ वैसे ही होगा जैसे सदियों से होता आ रहा है, उसके साथ सेट का यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि मेरी मन मर्जी से आया तो मैंने किसी और का यूज़ लगा दिया, डिलीट के साथ फ्रॉम का यूज़ हो रहा है, कैसे टेबल ने डिलीट होना उसने वैसे ही डिलीट होना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पक्की होती जाएंगी जब आप इनको प्रैक्टिस करते जाओगे, और पेपर में जो आप करके जा रहे हो ना, पेपर में एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो आएंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रोग्रामिंग करके जा रही हूँ और प्रोग्रामिंग मुझे कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि पेपर में आप ऐसे प्रोग्राम्स भी पाओगे जब आप पाइथन पढ़ रहे होंगे कि भाई अरे ये प्रोग्राम कैसे आ गया, लेकिन वो जो प्रोग्राम आप कर पाते हो क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस की होती है। तो प्रोग्रामिंग इज़ इक्वल्स टू कैसे लॉजिक क्लिक होता है, कितनी जल्दी होता है और किस तरीके का लॉजिक है जो आप कर ले क्लिक है जो हो रहा है। बट एसक्यूएल के केस में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्वेरीज पे क्वेरीज लगाते हो, समझ जाते हो, बस अब क्वेश्चन आ गया वही एग्जैक्टली आपके दिमाग में आएगा, अभी आएगा अभी आएगा, ठीक है? सो अब हमने किया है, इससे पहले मैंने आपको बताया एग्रीगेट, मैंने आपको बताया ग्रुप बाय, मैंने आपको बताया हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज के बीच में अंतर। अब हम यहाँ पर जो है प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, और अगर आपने लाइव क्लास को देखना है तो उसके लिए आप मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं, और मेरी हमेशा मतलब अभी तो इस मंथ तो कह लो कि 145 पर क्लास होती है आफ्टरनून में, एंड मे भी हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखो तो टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो आप मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल विजिट करना और वहाँ पर आपको मेरी टाइमिंग और सारी चीज़ें हैं जो पता चल जाएंगी। तो वहाँ पर आप मेरी फ्री लाइव क्लास है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक्सेस जब आप करोगे, पहली बार आ रहे हो सकता है आपसे कोड मांगा जाए। सो कोड इज नथिंग, मेरा नेम है लवजीत अरोरा बिना स्पेस के, अगर ये भी याद ना रहे, वैसे तो रहना चाहिए, तो मेरी प्रोफाइल पर लिखा हुआ है मैंने कोड, दैट इज LA लाइव। तो चलिए बच्चा, अब अलविदा नहीं, अब शुरुआत करते हैं, अलविदा तो लास्ट में बोलेंगे, शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो चलिए, हेलो माई डियर बच्चा। सो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम लोग इस कक्षा के अंदर बिल्कुल करने वाले हैं कि ग्रुप बाई जो क्वेरी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, मैंने आपको हैविंग बता दिया, इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि भाई ग्रुप बाई की जो क्वेरी है वो लगाएंगे कैसे, और उसके लिए बेसिकली आपको चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के ऊपर क्वेरी है जो लगाना सिखाऊंगी, तो हमने इसके अंदर बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ में क्लास है जो करनी है, कैसे करनी है। जैसे कि मेरे पास में ये एक टेबल बनी हुई है, पहले से मैंने इस टेबल को बना के रख लिया, और आपको बखूबी टेबल है जो बनाना आना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने कुछ डेटा डाल दिया और हमारी टेबल दिखने में कुछ ऐसी है जो दिखाई दे रही है, मतलब इस तरीके से हमारी टेबल है जो लग रही है कि जैसे अगर हम इस टेबल के बारे में देखें तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस टेबल के अंदर कुछ हमारे पास में इनवॉइस नंबर है, कार की आईडी है, कस्टमर की आईडी है, और कुछ सेल का डेट है, पेमेंट का मोड है, एम्प्लॉय आईडी है, देन सेल का प्राइस और कमीशन, राइट? अब ये हमारी एक सेल नाम की टेबल है जो बनी हुई है, राइट? तो इसके अंदर कुछ सेल के बारे में डिस्कशन है, जो कार के बारे में है वो किया गया है इस टेबल के अंदर। अब इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस होंगे और उनका ग्रुप बाय के अंदर हम आंसर है जो यहाँ पर देंगे, और बेसिकली हैविंग का भी यूज़ है जो इसके अंदर होगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा वो आप आइडिया लगाओ। तो जैसे ही आपके सामने, ये देखिए पहला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड बाय ईच कस्टमर
फ्रॉम सेल टेबल। तो देखो, अब आप इस क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप करेंगे, पहले आप अपनी क्वेरी बनाएंगे, फिर आप मेरे साथ आंसर है जो चेक करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने एग्रीगेट, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग बताया और फिर ये हम कर रहे हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उनको देख लो ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए सबसे पहले। तो देखिए मैं क्या कह रही हूँ, डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब है जी सेलेक्ट हो, ठीक है। अब देखो कहता है कि द नंबर ऑफ कार परचेज्ड बाय ईच कस्टमर, हर एक कस्टमर। इस चीज़ को मैं यहाँ पर बखूबी अंडरलाइन है जो करना चाहूँगी, हाईलाइट करना चाहूँगी कि ईच कस्टमर। सो मैं यहाँ पर फ्रॉम से क्वेरी स्टार्ट करती हूँ, टेबल का नाम मेरा सेल है और ग्रुप बाय। अब आपको ईच कस्टमर से मतलब है कि भाई कस्टमर का ग्रुप है जो यहाँ पर बनाना है। अब आप टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि भाई अगर आप कस्टमर का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो आप यूज़ करने वाले हो। बिल्कुल, अगर आपकी नज़र यहाँ पर गई होगी तो हम इसी को बनाएंगे। और बेसिकली इसका डेटा देखिए, इसके अंदर 3 है, फिर ये भी 3 है, फिर ये भी 3 है, तो ग्रुप बन रहे हैं ना। सो हम यहाँ पर लिखेंगे CUST ID, कस्टमर ID। अब हम आएंगे सेमी कॉलन लगाने के बाद में इसकी शुरुआत के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में होगा सेलेक्ट, क्योंकि जो ग्रुप बाय के साथ में लगा है वो हम यहाँ लगाते हैं। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स। तो मुझे टोटल नंबर है जो यहाँ पर काउंट है जो करना है, तो आप यहाँ पर काउंट स्टार लगा दीजिए। अब आप काउंट स्टार की जगह यहाँ पर, कार तो हमारे पास में कोई नहीं है ना, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप कार का आईडी लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो वो कार जो कार की आईडी है उससे हमें काउंटिंग मिल जाती। तो बेसिकली आपने यू लिख दिया। अब ये टेबल हमारी बनी हुई है, नहीं ये टेबल हमारी बनी हुई नहीं है बेसिकली, तो हमें सबसे पहले इस टेबल को ही बना लेते हैं। टेबल का नाम इज सेल, सॉरी। तो ये हमारी जो है टेबल आ गई, ठीक है। अब ये सेम क्वेरी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए हम ये एक्चुअली में चीज़ है जो चाह रहे हैं, ठीक है, कि मेरे पास C03 है, उसने कितनी कारें खरीदी हैं। वो आप बहुत अमीर है यार, 3 कारें खरीद ली। हाँ, C004 ने भी 3 है, 1 ने 2 है, जो इतनी कारें खरीदी। तो ये कस्टमर का इनका ग्रुप है जो बनाया है, कि कस्टमर के अकॉर्डिंग कि भाई किसने कितनी जो कार है वो परचेज है जो की है। अब इस क्वेरी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर एज लगा दूँ तो यहाँ पर लिख दूँ कार ठीक है। सो इस तरीके से हमारी एक प्रॉपर एक अच्छे तरीके से आंसर है जो आ जाएगा, राइट। सो डबल कोट का यूज़ आपने किया है, यू कैन यूज़ इवन सिंगल कोट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एज का यूज़ नहीं भी करते दैन ऑल्सो इट्स टोटली फाइन, डबल कोट्स भी हो सकता है इस केस के अंदर, ठीक है। तो बात ये नहीं है बताना, बात ये है कि क्वेरी लगानी आ गई क्या। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, जो इसी क्वेश्चन का ही कह लो कि जो है बदला हुआ रूप है। बदला हुआ रूप मतलब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। देखिए कहता है डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट द कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर आईडी CUST ID था, एंड द नंबर ऑफ कार परचेज्ड, कि उसने कितनी कार है जो परचेज की है। ये पिछले वाला क्वेश्चन है लेकिन उसको रीडिफाइन किया गया है। इफ़ द कस्टमर परचेज्ड मोर देन 2 कार्स फ्रॉम सेल टेबल। तो देखिए क्वेरी हमारी कुछ इस तरीके से थी, लास्ट वाली फ्रॉम सेल टेबल थी, ग्रुप बाय, और किसका ग्रुप बन रहा है, कस्टमर आईडी का, ठीक है। इतना बन गया, हम लोग कॉमा करके क्या कर रहे थे, CUNT काउंट इतना हो गया था। लेकिन अब मुझे क्या कहा है कि जैसे अगर कस्टमर हमारा 2 से ज़्यादा कारें खरीद रहा है तो मुझे उसको एक्चुअली डिस्प्ले कराना है, मतलब जो कस्टमर 2 से ज़्यादा कारें खरीद रहा है। तो देखिए यहाँ पर हैविंग का मतलब, देखिए हैविंग हमारा ग्रुप बाय के बाद में लगता है, पहले ग्रुप निकलेगा, उस ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई होने वाली है। तो देखिए
अब ये कौन सा कस्टमर ऐसा है जो दो से ज़्यादा, तो बेसिकली ये दोनों कस्टमर C003 और C004 ये वाले कस्टमर दोनों, इनकी जो है ये दोनों की टेबल है जो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी हैविंग, ठीक है हैविंग, और उसके बाद में मैं लिखूँगी काउंट स्टार, जहाँ पर भी ज़्यादा है किससे, दो से, तो दे विल बी डिस्प्ले, राइट। बस आ गया हमारा यहाँ पर हैविंग क्लॉज, कंडीशन हमने ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर दी ना, दैट्स इट। अब अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड। आंसर किस तरीके से ये चाह रहा है, तो ज़रूरत को समझो यहाँ पर कि ज़रूरत क्या है। देखिए अब यहाँ पर ये इतनी सी चीज़ चाह रहा है कि जो पेमेंट मोड है, कि जैसे मैं कहूँ कि ऑनलाइन कितने लोगों ने किया, चेक कितने लोगों ने दिया, बैंक फाइनेंस कितने लोगों ने कर, ठीक है, तो उस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, यही था ना। हाँ, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड, ठीक है, कि जैसे एक तरफ आपका पेमेंट मोड आए ऑनलाइन, कितने लोग हैं, 3 या 4, फिर बैंक फाइनेंस कितना, 1 या 2, तो इस तरीके से आप ग्रुप की डिमांड है जो कर रहे हो। तो अगर आपको डिमांड समझ में आती है तो आपने यहाँ लगाना है फ्रॉम, टेबल का नाम लिखना है, ग्रुप बाय लिखना है, और इसका नाम है पेमेंट मोड। तो आप यहाँ पर आंखें बंद करते हुए, नहीं आंखें खोल करके, पेमेंट मोड और लगा देंगे सेमी कॉलन, होम जाएंगे, सेलेक्ट और पेमेंट मोड, और हमें क्या करना था, काउंट करवाना था, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल, क्या हो गया, अभी देखो इसकी एरर देखो, ढूंढना कितना ज़्यादा इजी है। पेमेंट मोड में मैंने स्पेस दे दिया, दैट्स माय मिस्टेक, यहाँ पर भी मैंने दे दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास देखिए ऑनलाइन वाले, चेक वाले, बैंक फाइनेंस वाले, तो 4, 2, 2, ठीक है। तो बस इजी सी कमांड, अब आप इस कमांड को लगाओ, पहले वीडियो स्टॉप करो, इसको लगाओ, उसके बाद में आंसर चेक करना, डिस्प्ले द पेमेंट मोड, ओके। तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है पेमेंट मोड एंड नंबर ऑफ पेमेंट, एंड नंबर ऑफ पेमेंट, पेमेंट मेड यूजिंग दैट मोड आर मोर देन वंस। अब क्वेश्चन की ज़रूरत समझिए क्या हो रही है, कि हमें क्या डिस्प्ले कराना है। एक तो जैसे प्रीवियसली हमारे पास में ये वाला आंसर डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है। अब जिसका दो से ज़्यादा बार, जिसने मतलब दो से ज़्यादा बार, जैसे कि दो से ज़्यादा बार या एक से ज़्यादा बार, हाँ एक से ज़्यादा बार, फिर तो सारे डिस्प्ले होंगे, मोर देन वंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जिसने भी वो जो पर्टिकुलर मोड है, जैसे कि किसी ने ऑनलाइन किया है, तो उसने अगर उसे ज़्यादा बार किया है तो वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले है जो हो जाए मोड वाइज, ठीक है। तो अगर उसने एक से ज़्यादा बार किसी ने किया है तो वो मुझे यहाँ पर जो है डिस्प्ले हो, बेसिकली सब ने ही किया हुआ है यहाँ पर अगर हम देखें तो, बेसिकली हम लगा करके देख लेते हैं। पिछली कमांड में देखो 4, 2, 2 था, तो इस हिसाब से तो सारा ही डिस्प्ले होना चाहिए आंसर। तो हम यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट, तो प्रीवियस कमांड ही यहाँ पर रन कर देते ये वाली, है ना, हाँ स्पेस हटाना था इसमें बेसिकली, और यहाँ पर हैविंग क्लॉज का यूज़ करना है, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, ओके। तो रन कर दो इसको, कंट्रोल वी, और ये तो वही सेम टेबल हमारी डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पर अंदर। देखिए अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा लिखती, मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 लिखती, तो मैं यहाँ पर इसको 2 को कर देती, तब मेरे आंसर में कोई बात होती। तो बेसिकली अब मेरे पास में ये वाला डिस्प्ले हो रहा है कि भाई इस 4 बार ऑनलाइन मोड है जो वो डिस्प्ले हुआ, मतलब वो यूज़ किया गया है। अब ये कोई भी हो सकता है यूज़ करने वाला, ऐसा नहीं कि एक ही कस्टमर है, हाँ। अब हाँ, सो ये हमारा हुआ इतना सा। अब चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास में ये कोई एक टेबल है जो बनी हुई है, इसमें कुछ भी डेटा हमने डाला, पुरानी टेबल थी हमारे पास पड़ी हुई, ठीक है, हाँ। अब उसके अंदर हमने कहा कि लिस्ट द मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी
ऑफ ईच जॉब, ठीक है, ईच जॉब टाइप। तो देखो मैं ये बेसिकली जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जो क्लर्क है, ठीक है, उसमें सबसे जो ज़्यादा सैलरी किसकी है, किसकी या मतलब कितनी है, और मिनिमम सैलरी कितनी है, सेल्समैन में मिनिमम या मैक्सिमम कितनी, मैनेजर के अंदर कितनी है, एचआर के अंदर कितनी है। तो ये हम जानने की कोशिश है जो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रुप बाय, और किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं बच्चा, जॉब के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सेमी कॉलन लगाएंगे। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सेलेक्ट कर दो, ठीक है, और क्या करना है सेलेक्ट के अंदर, जॉब और मिनिमम पूछा है, क्या पूछा है, सैलरी, मैक्स पूछा है, क्या पूछा है, सैलरी, और टेबल का नाम, टेबल का नाम इज़ ईएमपी डेटा, राइट। सो इस तरीके से हम इस कमांड को बनाएंगे। तो इसके लिए मैं ये टेबल निकाल लेती हूँ ऊपर वाली पहले, राइट। सो सेम क्वेरी इसके ऊपर अप्लाई करें तो नहीं होगी, ये वाला करना पड़ेगा। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और क्या दिक्कत हो गई, अभी देखो इसी को पढ़ते हैं, पढ़ने से ही सब सेटल आउट हो जाएगा। सो कहाँ पर है, देखिए हम मिन के आगे यहाँ पर, तो इसके आगे कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत इजी है यहाँ पर। तो देखिए नल इज़ नल, ठीक है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है किसी के साथ में। सो क्लर्क में सबसे कम 10,000 है, और सबसे कम ये वाला है, ठीक है, सबसे कम सेल्समैन में ये है, सबसे कम ये है, ये है। तो चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, वैसे थोड़े से ब्रेक के बाद मिले हैं। आप सोचोगे अरे मैम ने कपड़े चेंज कर लिए। हाँ देखिए, अब कहता है कि शो द एवरेज सैलरी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स विद मोर देन टू पीपल फॉर जॉब। देखो शो द एवरेज सैलरी, आपको क्या करना है, एवरेज सैलरी सैलरी है जो शो करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एंड एवरेज सैलरी, AVG एवरेज, एंड सॉरी, और एवरेज किसका निकालना है, सैलरी का निकालना है, ठीक है, ओके, फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए ऑल द डिपार्टमेंट्स में कॉमा में आप डिपार्टमेंट आईडी, इसको आप पहले भी लगा सकते थे, नथिंग विल हैपन। वैसे डिपार्टमेंट आईडी ही है क्या नाम यहाँ पर, नहीं डिपार्टमेंट आईडी नहीं, यहाँ पर जॉब है नाम उसका, या फिर फॉर ऑल दी जॉब लिखा हो सकता है यहाँ पर, विद मोर देन टू पीपल फॉर जॉब। और मुझे टेबल का नाम लिखना है फ्रॉम ईएमपी डेटा, एंड हाँ ग्रुप बाय, और किसका बनाना है हमने ग्रुप बाय, यहाँ पर जॉब का ही बनाना है, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, हैविंग, और हैविंग के अंदर मुझे काउंटिंग के लिए बोला, तो काउंट स्टार ग्रेटर देन टू। तो अगर मैं इस कमांड को रन करती हूँ तो देखिए बेसिकली आउटपुट इज कमिंग कि आपके पास में नल कितनी बार है, वो 2 से ज़्यादा है, है ना, और क्लर्क कितनी बार है। बेसिकली मुझे क्लर्क थोड़ा आगे लिख देती हूँ, ये जॉब आगे लिख देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्वेरी लिखने का मीन है जो वो बने, है ना। हाँ तो ये कितनी बार है, 3 क्लर्क है, ये कितनी बार है, हाँ। तो अगर मैं एक करती हूँ तो देखो एक में एक से ज़्यादा मैनेजर और सेल्समैन भी है, मतलब कहने का मतलब इतना कि देखो सेल्स कितने हैं, सॉरी क्लर्क कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 2 से ज़्यादा थे इसलिए ये डिस्प्ले हुआ। फिर मैनेजर हमारे कितने थे, 3 से ज़्यादा, 3 थे मतलब, तो ये 2 से ज़्यादा थे इसलिए डिस्प्ले हुआ, राइट। तो ये इस तरीके से डिस्प्ले है जो हमारा हो रहा है। अब इसके अंदर HR डिस्प्ले नहीं हो रहा, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ 0 से ज़्यादा तब HR इज़ डिस्प्ले, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाली हमारी यहाँ पर कमांड है जो काम कर गई इसके लिए। आगे कहता है कि डिस्प्ले ओनली द जॉब्स, ठीक है, तो डिस्प्ले देखते ही सेलेक्ट कर दो, और जॉब फ्रॉम टेबल का नाम, जो चीज़ें पता है वो तो लिखो, है ना, हाँ, विद मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, विद मैक्सिमम सैलरी। अब कहता है कि विद मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3,000 से इक्वल तो बहुत सारे हैं, यहाँ 20 करना पड़ेगा या फिर
कुछ ऐसा बड़ा नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी देखिए सबकी, अगर सैलरी देखेंगे तो 20 से ज़्यादा ही आ रही है ना, 11 आ रही है 10 मान, है ना, तो कुछ ऐसा नंबर ही देना पड़ेगा. तो देखो, डिस्प्ले ओनली द जॉब्स विद मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन जो भी लिखा हुआ है 20,000. तो यहाँ पर ग्रुप बाय जॉब के अकॉर्डिंग कि हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कितनी है ना, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है बेसिकली, बट इसमें हैविंग क्लॉज का लगा हुआ, हैविंग मैक्स, और मैक्स के अंदर आपके पास में आ रहा है सैलरी, और यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन 20,000. तो यस, मैनेजर और एचआर के. बाकी तुम इसके अंदर अगर 10,000 भी करते हो तो फिर ये सारे आ जाते हैं, ठीक है. फिर इसके अंदर अगर तुम 21,000 या 23,000 कुछ करते हो तो ये दो बंदे आ रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके से बता रहा है कि भाई मैनेजर में सबसे ज़्यादा सैलरी, एचआर में सबसे ज़्यादा सैलरी, बट उसमें से भी 23,000 से ज़्यादा वाले, मतलब एक ग्रुप निकला. अब उस ग्रुप के ऊपर तुमने कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है. तो अगर मैं सम कह रही हूँ तो सम में देखो, जो है एचआर, इसका मैनेजर, उनकी सैलरी का सम 70,000 कुछ बन रहा है, और इसका एचआर का अकेले का 25,000 बन रहा है, तो ये 23 से ज़्यादा है ना. बस ऐसे करके आपके पास में आएगा, ठीक है. देखो बेसिकली इजी क्वेरीज आएंगी, ऐसा नहीं होगा कि तुमने वो क्वेरी कुछ अलग ही दुनिया से निकल करके आ जाएगी. ग्रुप बाय से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पूछोगे, तो अगर आपने अभी सैम्पल पेपर 2022 का देखा है तो आपको एक क्वेश्चन आया है, ज्वाइन से भी आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है. तो आपका जो ध्यान है ना वो ज़्यादा इस पोर्शन पर होना चाहिए. अगर मैं आपको आपका सिलेबस दिखाऊं तो आपने जम के करना है ना, तो ये पोर्शन की तैयारी करनी है. एक सेकेंड को, ये वाला जो आपका पोर्शन है देखिए, हाँ, अगर आपने तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है, एक चीज़ देख लो इसमें से वेरी वेरी अगर इम्पॉर्टेंट कहते हो तो भाई ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा. सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसको कट करते हैं, वापस से ओपन करते हैं. हाँ, तो देखो अगर आप मुझसे कहोगे ये वाला पोर्शन, इसमें से तुम्हें आएगा एक क्वेश्चन जो कि होगा की से रिलेटेड, ठीक है. तो आपको बेसिकली या तो बताना होगा प्राइमरी की, और या फिर आपको बताना होगा कि इसमें कैंडिडेट की कौन सी है, ठीक है. फिर या तो परिभाषा पूछ ले, परिभाषा का मतलब उसकी डेफिनेशन, अगर बहुत ईजी कहते हो तो, राइट. बेसिकली आपको प्राइमरी की, अल्टरनेट की, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. फिर अगला इंपॉर्टेंट यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में कह दूँ, डिग्री और कार्डिनैलिटी. मान के चलो कि तुम्हें पेपर में ये जो मैंने अभी बताया ना दोनों क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ठीक है. अब जब तुम आगे आते हो तो ये पोर्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, इतने पोर्शन पर, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है. मतलब आपका जो 20 नंबर का एसक्यूएल है ना, उसमें से आप कह लो कि 15 नंबर ये पिंक वाला पोर्शन अकेला ले जाने वाला है, ठीक है. और फिर आता है आपका, इसको ग्रीन कर देते हैं, इस पोर्शन से आपको एक एक सवाल है जो आएगा. देखो इससे आपको सवाल आएंगे एक दो, इतने आ सकते हैं, ठीक है. और इससे आपको एक आएगा, अब इसको हम किसी और कलर से करते हैं, जिसमें आपके पास में रेड कर देते हैं. इसके अंदर बेसिकली एग्रीगेट मिक्स होकर के आएगा, ठीक है. और हैविंग क्लॉज से, क्योंकि ग्रुप बाय आएगा तो हैविंग क्लॉज है ना. अब ज्वाइन से आपको एक अलग से क्वेश्चन है जो आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा इनसे, इन तीनों से एक दो तीन. तो आप कह लो कि ज़्यादा से ज़्यादा तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, और कम से कम दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे. अब इंटरफेस, इंटरफेस से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है. इंटरफेस से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आपने अगर बेसिक्स पढ़ा होगा कि जैसे फैच, इसको क्या बोलते हैं, फैच वन, फैच ऑल, रो काउंट, तो इनके मतलब आपको पता होने चाहिए. मतलब अगर आप कह लो कि कितने नंबर का, तो दो नंबर का मैक्सिमम और दो ही नंबर का मिनिमम, ठीक है. तो ये पोर्शन आपका यहाँ हो गया. सबसे ज़्यादा जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपने इस पोर्शन की करनी है, क्योंकि अगर आप इसकी करोगे तो ये भी रेडी हो जाएगा, और ये तो आपका थियोरेटिकल है ही, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आप इन दोनों को साथ में ही कर रहे हो बेसिकली, ठीक है. चलिए अब नेटवर्किंग जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ज़्यादा टफ नहीं है. आपका टर्म वन से कहीं ज़्यादा इजी है टर्म टू, ठीक है. अब हम नीचे आएंगे यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको पढ़ लेते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कहता है कि ग्रुप बाय जो हमारा है ना,
वो सेलेक्ट के साथ में है जो यूज में आता है. किसके साथ में? सेलेक्ट के साथ में हम लोग इसका यूज है जो करेंगे. इन द क्वेरी ग्रुप बाय क्लॉज इज प्लेस्ड आफ्टर वेयर क्लॉज. सो वेयर क्लॉज के बाद में आएगा. ठीक है, अब कहता है कि ग्रुप बाय क्लॉज प्लेस्ड बिफोर ऑर्डर बाय. मैं आपको सिक्वेंस अभी बता देती हूँ. ग्रुप बाय के अंदर हम ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ है जो करते हैं. अब एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको इनका सिक्वेंस बता देती हूँ. जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ सिक्वेंस कैसे होता है इनका, बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा. देखिए, सबसे पहले आएगा सेलेक्ट, फिर आएगा आपके पास में फ्रॉम, फिर आपके पास में आएगा वेयर क्लॉज, फिर आपके पास में आएगा ग्रुप बाय. ठीक है, फिर आपके पास में आएगा हैविंग, फिर आपके पास में आएगा ऑर्डर बाय. तो इनका जो ये सीक्वेंस या सीट है ना, कोई किसी की सीट है जो नहीं छीन सकता. यहाँ पर आप आगे पीछे नहीं कर सकते इनको. ठीक है, तो ये सीक्वेंस है. अगर किसी क्वेरी में वेयर क्लॉज आपका ग्रुप बाय के बाद आ रहा है तो गलत है. अगर किसी में हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय से पहले आ रहा है तो गलत है. ऑर्डर बाय में से किसी में भी पहले पहले दे दिया तो गलत है. ठीक है, तो ये सीट नंबर कुछ इस तरीके से बयान होंगे जब आप ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय इन सबको एक साथ देख रहे हो. हाँ, स्किप हो सकता है कि जैसे वेयर क्लॉज ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होंगे. हो सकता है जिसमें हैविंग क्लॉज ना हो, ऑर्डर बाय ना हो, वेयर क्लॉज हो यहाँ पर, या अकेला भी ग्रुप बाय हो, या हैविंग क्लॉज है नहीं, ऑर्डर बाय है, बट हैविंग क्लॉज होगा तो ग्रुप बाय के बाद में ही होगा. ठीक है, वो ऐसे नहीं कि आप वेयर क्लॉज के बाद हैविंग क्लॉज लगा दो. तो ग्रुप बाय यानी कि ग्रुप के ऊपर अप्लाई होता है आपका हैविंग. तो पूरी टेबल पर कंडीशन अप्लाई करता है कौन? वेयर क्लॉज के थ्रू. और जो है ग्रुप के ऊपर अप्लाई होता है कौन? हमारा हैविंग. राइट, तो ये हमारा यहाँ पर आज का जो लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेरीज बताई. और आप अपने विचारों को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, क्योंकि आपके विचार कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो क्रिएट करते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि हम आपकी आँखों से, क्लास के बिहेवियर से हम जान पाते हैं. तो यहाँ पर बिल्कुल आप आए हो यहाँ तक, अगर आपने वीडियो देखी है तो दैट मींस यस, अंदर एक वो दृढ़ शक्ति होती है ना जिसकी हम बात करते हैं, तो वो आपके अंदर है. इसी वजह से आप पूरा लेक्चर अभी तक सुनते हैं जो आ रहे हैं. तो आपने अपने विचारों को ज़रूर है जो प्रकट करना है, कहाँ पर? कमेंट सेक्शन के अंदर. ठीक है, क्योंकि इससे क्लास जो आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे आपका नज़रिया है जो पता चलता है. तो आगे अगर मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो मैं उनमें उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके डालूँगी, क्योंकि वो आपके और वो जो बच्चे आपके बाद में पढ़ने वाले हैं, तो उन सब के लिए वो बेनिफिशियल है जो रहे, है ना. चलिए फिर, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए आप मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं. अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं. बिल्कुल फ्री जो क्लास होती है वो मेरी डेली 145 के ऊपर होती है. हो सकता है आप इस क्लास को, आई थिंक अभी 2022 चल रहा है, तो मे बी 2023, 24, 25, पता नहीं कब आप इसको देखो, है ना, तो तब चेंज हो सकता है टाइम, है ना. तो फिर आप प्रोफाइल पर आकर के दोबारा से देख लेना कि भाई टाइम अभी क्या चल रहा है मैम की क्लासेस का. तो चलिए फिर, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ बहुत ही प्यार से. एंड थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.